Hey guys, आपका मोस्ट वेलकम है टेक ऑफिस पे है, और आज आपके एक बिग प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेकर मैं सामने हाजिर हुआ हूँ। वो है अपने एप्स का बैकअप लेना, वो भी एंड्रॉयड 10 के ऊपर, और साथ ही उसे रजिस्टर करना है, क्योंकि जब से एंड्रॉयड 10 आना शुरू हुआ है बहुत सारे डिवाइसों के लिए, तो हमारा बैकअप का प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हर बार रोम को चेंज करने से पहले ये सोचना पड़ता है कि भाई बैकअप करने के लिए हर एक ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा मैनुअली, और वन बाय वन करके सारे अकाउंट्स को क्रिएट करना होगा। बट इस वीडियो को फुल वॉच कर लेने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइफ में कभी नहीं आएगा। आप आसानी से जो बैकअप ले पाओगे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जी हाँ, क्योंकि माइग्रेट जो काम करना बंद कर दिया था तो वही फिर से जो वर्किंग हुआ है, बट कैसे हुआ है चलिए देखते हैं आगे की ओर। अभी फिलहाल मैं पोको F1 यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एंड्रॉयड 10 का सुपीरियर OS फ्लैश किया है, और इसके ऊपर मैं शो करने वाला हूँ। तो आपका अगर MIUI का एंड्रॉयड 10 है या फिर किसी भी अंदर एंड्रॉयड फोन के अंदर एंड्रॉयड 10 आप रन कर रहे हो यानी यूज कर रहे हो और वहां पे आपको बैकअप लेना है, तो काम करेगा ये मेथड जो कि मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो उसके लिए सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपको माइग्रेट ऐप का, उसे आपको डाउनलोड करना है। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो या कहीं और से, तो मे बी वो काम नहीं करेगा। जी हाँ, वो मे बी वो काम नहीं करेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसी का आपको यूज करना है। तो चलिए मैं एपीके को कर लेता हूँ इंस्टॉल्ड, क्योंकि टाइटेनियम बैकअप का जो मैंने वीडियो दिया था उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस भी है, और समटाइम वो कुछ ऐप्स को बैकअप भी कर लेता है लेकिन रीस्टोर नहीं कर पाता है, फ्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट किया कि भाई ये उतना इजी वे नहीं है जितना कि माइग्रेट था, माइग्रेट का वीडियो लाओ, क्योंकि माइग्रेट तो अब एंड्रॉयड 10 पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए आ गया है वर्किंग माइग्रेट, और यूज कैसे करना है चलिए उसके ऊपर देख लेते हैं। पहली कंडीशन कि आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, सेकंड कंडीशन आपका फोन है जो रूट होना चाहिए। आप देख सकते हो फिलहाल मेरा रूट नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे रूट करेंगे। तो आपका जो भी फोन हो, रूट करने का मेथड सेम है, फाइलें सेम होती है, और माइग्रेट का भी सेम एपीके वर्क करेगा। तो रूट करने के लिए TWRP ओपन करना है, इंस्टॉल के बटन पे जाना है, जहां पे भी आपने मैजिक्स को रखा है वहां पे आपको ब्राउज करना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा मैजिक्स 20.1, तो जो सबसे लेटेस्ट मैजिक्स रन कर रहा हो, अभी अपडेट आया हुआ हो, उसी का आपको यूज करना है अपने फोन को रूट करने के लिए। सो यहाँ पे रूट हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने पहले माइग्रेट जो यूज किया था जिसका बैकअप मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, वो काम नहीं करता है, डायरेक्ट एरर 7 का मैसेज देता है और ये इंस्टॉल्ड नहीं होता है एंड्रॉयड 10 के ऊपर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये हुआ हमारा एरर, देख सकते हो ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं अभी जो दिखाने वाला वो फुल्ली 100% वर्किंग रहेगा। तो यहाँ पे मैंने रूट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे रिबूट कर देता हूँ। मैंने माइग्रेट का जिप फाइल इसलिए फ्लैश किया ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि हाँ रियली में काम नहीं करता है एंड्रॉयड 10 के ऊपर पहले वाला बैकअप। सो फोन ऑन हो चुका है और यहाँ पे फुल्ली रूट भी हो गया है। मैं कुछ एप्लीकेशन को बैकअप करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा अगर बैकअप करूंगा तो फाइल लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, तो बैकअप करके दोबारा मैं आपको शो कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम को भी जो बैकअप कर रखा है, तो यहाँ पे इसका भी लॉगिन कर रखा है, तो इसका भी मैं बैकअप बना के आपको जो शो करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं IDM प्लस के ऊपर, जिसका अभी मैंने कोई भी परमिशन नहीं दिया है, लेकिन मैं आप फिलहाल परमिशन दे देता हूँ, इंटरनल में सेट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो माइग्रेट इतना पावरफुल है ना कि आप जो भी एप्लीकेशन हो जो परमिशन देते हो उस परमिशन के साथ ही उसे बैकअप बनाता है, और दोबारा रीस्टोर करने के बाद आपको फिर सेम परमिशन देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम माइग्रेट को ओपन करेंगे और इसे रूट का एक्सेस है जो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मेरा फोन अब फुल्ली रूट हो चुका है और रूट की जरूरत होती है इसे बैकअप करने के लिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम स्किप कर देंगे, अब बैकअप पे टैप करेंगे, अलाउ आएगा और ये वेट करेगा रूट परमिशन का। उसके बाद आपको जो अलाउ कर देना है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस करना है, और यहाँ पे कुछ एक्सेस लेता है जिसे आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया इनेबल। अब बैक करते हैं, फिर से बैकअप पे टैप करेंगे। अब जिन जिन एप्लीकेशन को आपको बैकअप करना है उन एप्लीकेशन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना इंस्टाग्राम का बैकअप, IDM प्लस का, फेसबुक का, ठीक है इससे भी कर लेता हूँ, बट ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये माइग्रेट का ऐप का बैकअप है, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से अगर बैकअप बनाना पड़े तो ये हेल्प करेगा। मैं मैजिक्स का नहीं करूंगा, क्योंकि रूट तो करना पड़ता है तो मैजिक्स ऑटो आ जाता है। अब आप यहाँ पे SMS वगैरह बैकअप करना चाहते हो तो वो भी आप बैकअप कर पाओगे, सिस्टम के ऐप्स वगैरह अभी फुल्ली सपोर्ट नहीं है, तो आप सिर्फ ऐप का ही बैकअप करो। उसके बाद नेक्स्ट पे टाइप करना है। अब करना चाहते हो SMS का बैकअप तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप कॉन्टेक्ट का बैकअप करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो गूगल अकाउंट के थ्रू आ जाता है। यहाँ पे ADB है, इसे नहीं बैकअप करना है, ना इसे करना है ना इसे करना है, अदरवाइज अगर आप इसे करोगे तो समटाइम आपका फोन है जो बूट लूप में चला जाएगा जब आप रिस्टोर करोगे बैकअप को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉल लॉग, SMS और कॉन्टेक्ट, ये 3-4 चीजों का आप बैकअप कर सकते हो, साथ ही साथ ऐप इंस्टॉल्ड है उसको, अदरवाइज सबको इग्नोर करते हुए आपको स्टार्ट बैकअप पर टैप कर देना है। और यहाँ पे जो नेम चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, या फिर जो ये नंबर से होता है ना उसी नंबर पे आप रहने दो, उसके बाद ओके पे आप टैप कर दो और ये बैकअप क्रिएट करना शुरू कर देगा।
टोटल मैंने 5 ऐप को सेलेक्ट किया है जिसमें से 2 ऑलरेडी बैकअप हो गया है और यहाँ पे टोटल 5 शो कर रहा है। सो ये बैकअप हो गया है, बस वेरीफाई कर रहा है हमारे फाइल्स को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइल क्रिएट अब जिप का। अब ये क्रिएट हो जाने के बाद अब अपने जिप वाले फाइल को कहीं पे भी मूव करके रख सकते हो, अपने कंप्यूटर पे या इस फोन का बैकअप किसी अदर फोन पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। बस जिप को उठा के जिस फोन के अंदर डालना है उसके अंदर पुट करो और फ्लैश कर दो, आपका जो काम करेगा। तो ये रहा माइग्रेट का फोल्डर बन गया और यहाँ पे है ये 248 MB का जो फाइल क्रिएट हुआ है, क्योंकि मैंने ओनली ऑन 5 एप्लीकेशन को क्रिएट किया था और पहले का बैकअप मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है जो कि काम नहीं करता है मेमोरी कार्ड के अंदर, ये रहा, जो कि करीब करीब है जो 1.18 GB का जिप फाइल है जो कि एंड्रॉइड 10 पे काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पाई के लिए काम करता है। अब हम फिर से स्विच करेंगे अपने TWRP की ओर, क्योंकि बैकअप तो हमने कर लिया है, लेकिन पहले मैं इसे कर देता हूँ अनइंस्टॉल ताकि आपको दिखा दूं कि परमिशन अलाउ रहता है या नहीं। तो वन बाय वन करके मैं इसे भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ और इसे भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, इस माइग्रेट के APK को भी, क्योंकि ये ऑलरेडी बैकअप बन चुका है और यहाँ पे ये भी। तो टोटल चीजें मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, अब कोई भी एप्लीकेशन नहीं बचा है जिसका मैंने बैकअप किया था। अब स्विच करके चलेंगे हम TWRP की ओर। TWRP ओपन होने के बाद अगर आपने नया कस्टम रोम फ्लैश किया है तो उसका फुल सेटअप कर लो, उसके बाद फिर से रूट कर दो जैसे कि मैंने रूट करने के लिए बताया है। उसके बाद रूट करने के बाद आपको फिर से स्विच करना है TWRP की ओर और अपने बैकअप फाइल की ओर जाना है। तो ये रहा मेरा एक्सटर्नल SD कार्ड, मैं आता हूँ इंटरनल के SD कार्ड के अंदर, और ये रहा मेरा माइग्रेट जो कि 248 MB का था और अभी का डेट भी आप देख सकते हो, जस्ट अभी का क्रिएटेड है 2019/11/21/8/15/1, ये जो है हमारा टाइमिंग है। इसका इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है स्वाइप और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा है जो कॉपी पैकेज हो रहा है और ये हमारा इंस्टॉल्ड हो गया। आप यहाँ पे देख पाओगे ये रहा हमारा ES फाइल मैनेजर, फेसबुक, IDM+, इंस्टाग्राम और माइग्रेट, ये 5 एप्लीकेशन अब हो गए यहाँ पे रीस्टोर। अब डायरेक्ट रिबूट पे टैप करना है, फोन के ऑन हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको पॉपअप के रूप में नोटिफिकेशन शो होगा या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा माइग्रेट आ गया है नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पे भी आ गया नोटिफिकेशन। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद इस तरह से आएगा रीस्टोर ऐप एंड डेटा और अनइंस्टॉल। तो हमें रीस्टोर करना है तो इसलिए हम इस पे टैप करेंगे और फिर से अगर आपने रोम चेंज किया तो ये परमिशन लेगा, तो हमें परमिशन ग्रांट करना है और यहाँ पे सारे एप्लीकेशन की लिस्ट आ गई है। तो अगर इनमें से कोई एप्लीकेशन को आपको रीस्टोर नहीं करना है तो आप सिंपली उसे अनटिक कर सकते हो कुछ इस तरीके से, लेकिन सभी को रीस्टोर करना है तो सभी को सिलेक्ट रहने देते हैं और उसके बाद रीस्टोर पे टैप कर देंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे गो अहेड कर देंगे और ये वन बाय वन करके आपके सारे एप्लीकेशन को रीस्टोर कर देगा। तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया इसने रीस्टोर का प्रोसेस, अब यहाँ पे फिनिश पे हम टैप कर देंगे और यहाँ पे लिखा रहा है अनइंस्टॉल करना है। तो अगर आप चाहते हो कि अनइंस्टॉल करना है क्योंकि यहाँ पे तो बैकअप रीस्टोर हो ही चुका है तो आप अनइंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो, इस रिबूट को अनटिक कर दो, अदरवाइज आपका डिवाइस एक बार रिबूट हो जाएगा जब भी आप इसे अनइंस्टॉल करोगे। तो अगर आपको रिबूट करना है तो टिक रहने दो, अदरवाइज अनइंस्टॉल पे टिक रहने के बाद फिनिश पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, देखते हैं ये रहा हमारा ES का और ये रहा हमारा IDM+ जिसे मैंने परमिशन दे दिया था ऑलरेडी, तो परमिशन सारे अलाउ है, बस एक लास्ट परमिशन था, ठीक है। तो कोई भी परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं हम फिर से अपने किस पे, तो हमारा फेसबुक अकाउंट के ऊपर जो कि लॉगिन था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ मेरा फेसबुक फिर से लॉगिन ही शो करेगा। तो ये रहा मेरा लॉगिन है, शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, वो है हमारा इंस्टाग्राम जो कि मेरा लॉगिन था, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं और ये मेरा सेम टू सेम लॉगिन था, जहाँ पे टैब ओपन था वही टैब ओपन हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड 10 पे माइग्रेट ऐप का यूज कर पाओगे और सभी ऐप्स का बैकअप एंड रीस्टोर कर पाओगे। एक चीज मैं बता दूं कि जैसा कि आप सोच रहे हो या कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि अगर हम पबजी वगैरह को बैकअप करेंगे तो क्या वो काम करेगा, जी हाँ पबजी बैकअप हो जाएगा, लेकिन पबजी का जो 2 GB का फाइल होता है जो हमारे इंटरनल के एंड्रॉइड फोल्डर में सेव होता है वो बैकअप नहीं होता है। जी हाँ, ये एप्लीकेशन बैकअप करता है, एप्लीकेशन के परमिशन को बैकअप करता है, एप्लीकेशन के अकाउंट को बैकअप करता है। जैसे कि आपने पबजी में जो भी अकाउंट लॉगिन किया होगा, फेसबुक का, ट्विटर का, जो भी, वो आपको लॉगिन मिल जाएगा, सारे अलाउ मिल जाएंगे, लेकिन उसके जो एक्स्ट्रा 2 GB की फाइलें होती है उसको ये बैकअप नहीं करता है, ठीक है। अब आप समझ गए कैसे यूज करना है और क्या क्या चीजों में ये आपकी हेल्प करेगा। अब टाइटेनियम यूज करने की जरूरत नहीं है, बार बार बीच में एरर और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइग्रेट अब फुल सपोर्ट करता है हमारे एंड्रॉइड 10 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इसी तरह की वीडियो इन फ्यूचर चाहिए तो बस एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूले ताकि नेक्स्ट टाइम की वीडियो आप वॉच कर पाओ। ओके, सो बाय बाय।